हाय स्टूडेंट, जैसे कि हमारा बीकॉम सेम 3 स्टैटिक्स 2022 का हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 हम कंप्लीट करके आए। आज हम क्वेश्चन 1 का जो और में आए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन 1 में और में जो आए हुए हैं दो सम है, एक तो कंटिन्यूटी का है और उसके बाद लिमिट के चार सम है, वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर करते हैं, क्या मिला होगा क्वेश्चन की मीनिंग समझे। देखो क्या बता रहा है, डिस्कस दी कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 4। हमें यह फंक्शन दिया हुआ है और हमें बताना है कि फंक्शन x इक्वल टू 4 के लिए कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। तो देखो इसमें आपको यह दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4, मींस इसमें आपको दो स्टेप करने पड़ेंगे, फिर दोनों स्टेप का आंसर देखना है, सेम होगा तो कंटिन्यूस बोलेंगे, अगर जो सेम नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो देखो किस तरह होगा, पहला स्टेप हमारा इस तरह होगा, लिमिट x टेंड्स टू 4, क्योंकि x इक्वल टू 4 के लिए करना है fx, ठीक है ना, ये फंक्शन। तो इसके इक्वल्स में क्या रखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 4, अभी fx की जगह क्या रखोगे, लिमिट रखा है, इसका मतलब है x नॉट इक्वल टू 4, x नॉट इक्वल टू 4 ये है, इसके सामने कौन सा फंक्शन हमारे पास, वो रखेंगे x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड में x माइनस 4 इस तरह। अभी लिमिट जैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना है जैसे लिमिट करते थे हम, तो देखो क्या होगा, लिमिट x टू 4 यहां पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और 16 है, मींस मैं क्या करूंगा 4 की स्क्वायर 4 जा 16 एंड डिवाइड में x माइनस 4 से, इसके इक्वल्स में क्या होगा, लिमिट x टू 4 और यहां पे आप देख सकते हो इसको स्क्वायर है, इसको स्क्वायर बीच माइनस है, मींस इसकी फार्मूला क्या होगी, एक ब्रैकेट में x माइनस 4 एक ब्रैकेट में x प्लस 4 और डिवाइड में x माइनस 4 सेम, फिर x माइनस 4 कट हो जाएगा। अभी क्या करूंगा, x की जगह पे मैं 4 रखूंगा, x टू 4 है तो 4 रखूं तो 4 प्लस 4 मींस क्या हो गया 8, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अभी दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, f4 मतलब x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 के सामने हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है 8 है, तो आप देख सकते हो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसका आंसर 8 है, सेकंड स्टेप है उसका भी आंसर 8 है, तो दोनों का आंसर 8 है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। मींस क्या बोलोगे आप, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 4 fx इसका आंसर और f4 इसका आंसर दोनों का आंसर सेम है, तो मतलब दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर क्या बोलोगे, देयरफॉर यही मेन आंसर आपको ये लिखना है, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूस, भाई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 4, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट हो गया, अभी लिमिट के भी सम है वो करते हैं, ठीक है। अभी इसी तरह आप देख सकते हो हमारे पास क्वेश्चन 1 में जो और में है, सेकंड नंबर पहले कंटिन्यूटी का सम किया, अभी क्वेश्चन सेकंड में मतलब सेकंड नंबर क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड नंबर जो उसमें लिमिट के सम्स हैं, उसमें पहला नंबर हमें ये दिया हुआ है, लिमिट x टू 3 x क्यूब माइनस 27 डिवाइड में रूट x माइनस रूट 3, तो इसमें क्या करना है, हमें रूट को पहले हटाना है, ठीक है ना। तो देखो किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे लिमिट x टू 3 और यहाँ पे ये x क्यूब माइनस 27 है, तो 3 की 3 पावर रख सकता हूँ, 3 3 9 9 3 27, ठीक है, तो 27 की जगह मैंने रखा 3 की 3 पावर और नीचे ये रूट दिया हुआ है, ठीक है, रूट एक्स माइनस रूट 3, तो इस रूट को हटाना है तो क्या करूंगा, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था रूट हटाने के लिए यहाँ पे माइनस है तो सेम रखेंगे पर बीच में क्या आएगा प्लस, और जो नीचे रख रहा है वो ऊपर भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरह आपको करना है। अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें, लिमिट x टू 3, अभी इसकी फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, x क्यूब माइनस 3 क्यूब, ये एक फॉर्मूला x क्यूब माइनस y क्यूब, इसकी फॉर्मूला क्या है, एक ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पे x है तो x स्क्वायर माइनस है तो प्लस, इन दोनों का इनटू x वाला लास्ट में जब प्लस फिर y की स्क्वायर, ये हमारी फॉर्मूला है क्यूब वाली, ठीक है ना। तो इस तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा, x क्यूब माइनस 3 क्यूब है मीन्स एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3, दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पे x है तो x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, इन दोनों का इनटू 3x, लास्ट में हमेशा प्लस, 3 की स्क्वायर 3 3 9, इस तरह आपको करना है, ये क्यूब वाली फॉर्मूला, इस तरह मैंने सॉल्व किया। और ये जो है ये सेम रखेंगे ऊपर, रूट एक्स प्लस रूट 3, ठीक है, ये सेम रखेंगे एंड डिवाइड में यहाँ पे ये देख सकते हो दोनों सेम है, एक में माइनस है एक में प्लस है, मीन्स क्या हो जाएगा इस तरह, रूट एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, इन दोनों को साथ में सॉल्व किया, एक में माइनस एक में प्लस, तो इस तरह होगा, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर जो है वो सेम रखूंगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरी ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और ये भी सेम, रूट एक्स प्लस रूट 3, ठीक है, ये सेम रखेंगे, ऊपर जो भी है वो सेम रखा और नीचे आप देख सकते हो इस पर रूट कट गया x, इसमें इस पर रूट कट गया तो 3, तो x माइनस 3, अभी क्या होगा x माइनस 3 हम कट कर देंगे, ठीक है ना। अभी क्या होगा, x की जगह हमें 3 रखना है, x एक्स टू 3 है तो x की जगह हम 3 रखेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा, 3 की स्क्वायर प्लस 3 x की जगह 3 प्लस 9, ब्रैकेट में रखा क्या किया मैंने, x की जगह 3 रखा 3 की स्क्वायर,
यहाँ पे थ्री सेम एक्स पे थ्री रखा और प्लस नाइन सेम एक ब्रैकेट में, और अभी दूसरी ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस रूट थ्री इस तरह, ठीक है ना। एक्स पे मैंने थ्री रखा, अब इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड में कुछ कटिंग हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे थ्री की स्क्वायर नाइन, थ्री थ्री नाइन ये नाइन, ठीक है, और रूट थ्री टू रूट थ्री, जैसे एक्स प्लस एक्स होता है टू एक्स, तो रूट थ्री प्लस रूट थ्री टू रूट थ्री, ठीक है। अभी इन तीनों का प्लस करूंगा क्या हो जाएगा 27, और ये सेम टू रूट थ्री, अभी 27 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 27 टू जा 54 रूट थ्री, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो इस तरह आपको करना है, तो ये सब कंप्लीट हो गया। अभी इसी टाइप का दूसरा करते हैं जो हमें सेकंड नंबर मिला हुआ। ओके, अभी इसी तरह हमारे पास सेकंड नंबर सम है, देखो क्या मिला हुआ है हमें, लिमिट एक्सेस टू थ्री एक्सेस टू फाइव माइनस 243 डिवाइड में एक्स माइनस थ्री, ये हमें दिया हुआ है। देखो ये फॉर्मूला आप अगर जो फाइव पावर सॉल्व करोगे उससे भी हो जाएगा, और एक स्टैंडर्ड रूल है उससे बहुत इजी हो जाएगा। स्टैंडर्ड रूल कौन सा है, इस तरह है, लिमिट एक्सेस टू ए, लिमिट में आप सीख क्या हो, एक्सेस टू एन माइनस ए रेस टू एन डिवाइड में एक्स माइनस ए। अभी इस तरह मिलाओ ना, देखो समझना, यहाँ पे देखो जैसे कि ऊपर पावर एक्स माइनस ए सेम ही है, और ऊपर पावर है नीचे पावर नहीं है, पहले तो ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, माइनस से पहले एक्स है तो एरो से पहले एक्स है, माइनस के बाद ए है तो एरो के बाद ए है, तो कहने का मतलब ये बनना चाहिए, ठीक है। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, मीन्स इसकी फॉर्मूला है, जो पावर है एन और एरो के बाद जो है ए है, तो एन ए की एन माइनस वन पावर, इस तरह। तो ये आपका स्टैंडर्ड रूल है, ध्यान रखना, इससे रिलेटेड हम ये सम करेंगे, मतलब इसी टाइप का है। तो देखो किस तरह करेंगे, देखो ये लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, और यहाँ पे एक्स की फाइव पावर एंड 243 है, 243 मीन्स थ्री की फाइव पावर होगी, ठीक है। थ्री थ्री जाओ नाइन, नाइन थ्री जाओ 27, 27 थ्री जाओ 81, 81 थ्री जाओ 243, इस तरह। तो थ्री की फाइव पावर होगी, फिर यहाँ पे नीचे एक्स माइनस थ्री से, अभी आप चेक कर रहे हो स्टैंडर्ड रूल बन गया, ये देखो ऊपर एक्स माइनस थ्री नीचे भी एक्स माइनस थ्री है, ऊपर पावर है नीचे पावर नहीं है। दूसरी बात, माइनस से पहले एक्स है तो एरो के बाद पहले एक्स है, और माइनस के बाद थ्री है तो एरो के बाद थ्री है, तो पूरा स्टैंडर्ड रूल बन गया इस तरह, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, जो पावर है फाइव और एरो के बाद आपको थ्री है, थ्री की फाइव माइनस वन पावर, इसी तरह देखो ये जैसे मैंने सॉल्व किया। ओके, ये स्टैंडर्ड रूल, स्टैंडर्ड रूल है, ध्यान रखना। तो फाइव और यहाँ पे क्या होगा, थ्री की फाइव में से बन गया फोर, मीन्स फाइव और थ्री की फोर पावर मतलब 81 होगा, ठीक है ना। अभी मैं फाइव से इंटू करूं तो क्या हो जाएगा 405, ये आंसर है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड रूल से हमें सॉल्व करना है, इजी रहेगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया, अभी इसी टाइप का एक और करते हैं। ओके, अभी इसी तरह हमारे पास थर्ड नंबर सम है, देखो क्या मिला हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव, और ये हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 5, मीन्स इसमें क्या करना है, आपको फैक्टर निकालने हैं, 20 को ऐसा टेबल लगाना है जो 1 है प्लस या माइनस करने से, तो इसमें कौन सा टेबल लगेगा 5, 4 जा, और नीचे 5 को ऐसा टेबल लगा जो प्लस या माइनस करने से 4 है, तो 5 बन जा 5, इस तरह आपको फैक्टर निकालने हैं। तो देखो किस तरह होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव, इसमें क्या होगा, टेबल लगा 5, 4 जा, मीन्स क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट सेम रहेंगे, फर्स्ट एक्स स्क्वायर लास्ट माइनस 20 है, बीच में जो टेबल लगा है 5, 4 जा, और बीच में माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस 4x प्लस 4x, इस तरह 5, 4 जा टेबल लगा है, और नीचे 5 को ऐसा टेबल लगाओ जो 4 है, 5 बन जाएगा 5, ठीक है। तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर और लास्ट माइनस 5 है, बीच में जो टेबल लगा है माइनस 5x प्लस 1x, इस तरह 5 बन जाएगा 5। ओके, सिंपल है। अभी इसको हम लिमिट ये x टेंड्स टू 5 से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से x कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में x माइनस 5, फिर प्लस 4 कॉमन निकालो ब्रैकेट में x माइनस 5, इन दोनों में से x कॉमन तो ब्रैकेट में x माइनस 5, इन दोनों में से 1 कॉमन तो ब्रैकेट में x माइनस 5, ठीक है, इस तरह। फिर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5, अभी एक ब्रैकेट में x माइनस 5 आएगा और दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 4, ओके। इसी तरह यहाँ पे एक ब्रैकेट में x माइनस 5, दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 1, इस तरह होगा। अभी x माइनस 5 कटिंग हो जाएगी, अभी x की जगह पे हम 5 रखेंगे, x टेंड्स टू 5 है तो 5 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 और नीचे 5 प्लस 1, सिंपल, x की जगह पे मैंने 5 रखा, 5 प्लस 1, यहाँ पे x की जगह पे 5 रखा, तो सिर्फ टोटल कर दिया, टोटल हुआ 9 एंड डिवाइड में 6, 3 का टेबल लग रहा है, टेबल लग रहा है तो लगा दो, 3 3 जा 3 2 जा, तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अभी इसी टाइप का एक और सम करते हैं, हमारे पास फोर्थ नंबर सम है, देखो क्या मामला हुआ है, हमें दिया हुआ लिमिट एक्स टू 0 और इस तरह फंक्शन दिया हुआ है, देखो बिल्कुल सिंपल है, क्या होगा, यहाँ पे ये लिमिट एक्स टू 0 सेम, ऊपर से एक्स कॉमन निकालो, आप देख सकते हो सब में एक्स है, एक्स कॉमन निकालो, एक्स कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x की 2 पावर, 3 पावर है, एक्स कॉमन निकल गया तो 2 पावर बचा, और इसमें से ये 5x बचा, 2 पावर है, एक्स कॉमन निकाला तो रिमेनिंग x बचा, और इसमें से x कॉमन निकल गया तो रिमेनिंग 3 बचा, x बाहर आ गए, ठीक है। अभी इसमें से भी x कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 11, x कॉमन निकाला, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अभी क्या करूंगा, x x कट हो जाएगा, अभी क्या करेंगे, x टू 0 है, x की जगह 0 रखो, आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो देखो किस तरह होगा, 2x इज इक्वल टू 0 रखो, 0 की स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 प्लस 3 डिवाइड में 6x इज इक्वल टू 0 रखो, 0 की स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 7, जहां से x है वहां पे हमने 0 रखा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 की स्क्वायर 0 ही होगी, 0 किसी से इंटू करो 0 आएगा, मीन 0 प्लस 0 प्लस 3, ठीक है, क्योंकि 0 किसी से इंटू करो 0 आने वाला है, तो नीचे भी इसी तरह होगा, 0 माइनस 0 प्लस 11, तो क्या बचा, ऊपर 3 बचा और नीचे 11, ठीक है, ये सिंपल आंसर आ जा रहा है, ठीक है। अभी क्या इस तरह हमने, अभी इस तरह हमने ये जो है क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 करेंगे, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।